still ain't nothing but a G thing. G thing. G thing. I jumped out the car, let the beat bang. So hey guys, welcome to my next video. So guys, आज का video कुछ नया और interesting होने वाला है. अब लोग को हर एक चीज को वाकिफ करवाऊंगा और बहुत कुछ नया और कुछ अलग तरीके का, कुछ जगह अच्छी अच्छी बातें और थोड़ा कॉमेडी भी हो जाएगा. तो चलो भाई शुरू करते हैं इस बारे वीडियो को. तो आगे बढ़ के आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा मैं. यहाँ पर माहौल कैसे है, व्यू कैसे आती है और कैसे आप लोगों को लगता है. सो लेट्स घूमेंगे हम लोग, मस्ती करेंगे और यार आप लोग को पूरा ये सब कुछ दिखाएंगे यार, कैसी माहौल है और कैसी अच्छा जगह है. आप लोग देख सकते हैं ये खूबसूरत नजारे को यार. मैं आया हूँ यार तुम लोग को खुश करने के लिए यहाँ पर. यार देखो यार कैसे खूबसूरत, यार इसको कैसे काटे हैं देखो यार, पूरा ऐसे कैसे समान करके पूरा एकदम अच्छी तरह से काटते हैं. तो यार चलो यार पूरा घुमाते हैं यार, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर नजारा कैसा. ये खूबसूरत परिवेश को आप सभी का स्वागत है और तहे दिल से. थोड़ा इंग्लिश कमजोर है यार, माफ कर. मैं हूँ कहाँ पर, शूट कर रहा हूँ कहाँ पर, ये पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताने वाला हूँ यार. मैं हूँ मयूर बंगला पर हूँ और यहाँ पर जो पार्क है ना, बहुत खूबसूरत नजारा भाई, देख लो एक बार ये नजारा. सब कुछ मैं शूट करके आप लोगों को रूबरू करवा रहा हूँ यार. आप लोग देखिए मैं भी आया हूँ अभी यहाँ पर जो समुन्द्र के किनारे, यहाँ पर पत्थर वत्थर पड़े हैं ना, यहाँ पर वहाँ पर आया हूँ शूट करने के लिए यार. तो भाई चलो कभी मयूर बंगला आ जाओ यार, यहाँ पर बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए. यहाँ पर घूमने के लिए भी मिलेगा और खाने के लिए बहुत अच्छा चीज मिलेगा. ये लोग आते हैं पत्थर पे ऐसे लब की ऐसे सुरमा बना के अपना नाम लिख के चले. देखो हम लोग रोमियो और जूलियट है. तो यार कैसे खूबसूरत नजारा यहाँ पे, नजारा को पूरा मन से देखो. उसके बाद मैं यहाँ पे जूते भी निकाल दी क्योंकि यहाँ पर रिस्क है. इतने ऊपर से हम लोग नीचे तक आए हैं, वहां पर ऊपर में हमारा एक छोटा भाई बैठा है वहां पर. भाई पानी से सच में बहुत मुझे डर लगता है क्योंकि भाई पानी में बहुत ज्यादा खतरनाक जीव जंतु रहते हैं भाई. भाई मैंने बोला था अभी उसको, देखो भाई थोड़ा सा गलती हुआ, उसका चप्पल नीचे गिर गया पत्थर के अंदर. अभी कौन जाएगा उधर उठाने के लिए. भाई आप दिखा दें कैमरा में आता है यार. ऐसे घिस घिस के आंख जलाते हैं यार इसके आदि मानव सब थे पहले वाले लोग. जलने की बदबू आ रही है थोड़ा थोड़ा.
पर जल नहीं रहा है, धूप बहुत तेज है ना, आँख कैसे दिख। सो गाइस यहाँ का जो दुकानदार है ना, इनका व्यापार कैसे चलती है इनसे पूछते हैं, यहाँ पर कितना अच्छा व्यापार चलाते हैं, कितना पैसे भी वो लोग कमा लेते हैं एक दिन में, तो आओ थोड़ा पूछ लेते हैं उनसे। तो भैया कितना कमा लेते हो यार जी, बोलो यार। नहीं अभी तो धंधा पानी नहीं है, जब सीजन चालू था तो था, अभी नहीं है। ठंड में है, जब ठंड का सीजन, ठंड का सीजन पे धंधा पानी थोड़ा होता अच्छा है। चलेगा वहाँ पर, तभी चलता है अच्छा वहाँ पर। उस टाइम पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, तो भाई भैया का बहुत अच्छा यार सामान सब बेचा, मैंने बेच देते अच्छी तरह से। 3 महीना होता है थोड़ा बहुत धंधा पानी, जैसा नवम्बर दिसम्बर जनवरी 3 महीना अच्छी अच्छा होता है, और फिर तो नहीं, फिर वो जो कोरोना गिर गया उसका बाद से टोटल ठप पड़ा है। और ये जो सामान लेके आते हैं यहाँ पर तो थोड़ा बहुत व्यापार चलती है ना? नहीं व्यापार होता है लेकिन बहुत डाउन है, बहुत परिवार को पालना बहुत मुसीबत है इस वक्त, क्योंकि पब्लिक है ही नहीं, दुकान 4-5 है लेकिन धंधा पानी नहीं है, टोटल डाउन। और जो भी आए भैया की दुकान से खरीदी खाना, नहीं ऐसा नहीं, आप कोई भी आओ घूमने वाले टूरिस्ट वाले, कोई भी तकलीफ नहीं होगा, जो भी तकलीफ हो उसका समाधान हमारे पास है और हर सुविधा आपको मिलेगा। भाई लिटरली दिल खुश हो गया इतनी बात सुनके, भाई आप लोग का दिल खुश होना भी चाहिए, क्योंकि बिना डरे यहाँ पर आइए, यहाँ पर दुकानदार बहुत सारे लोग होते हैं, आप लोग को फुल सपोर्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर फुल दम में आप लोग घूमेंगे, घूमना फिरना हर चीज यहाँ पर फ्री रहता है, कोई कॉस्ट नहीं लगता है, पिकनिक स्पॉट है, और यहाँ पर सी का बीच है जो की महानदी और समुन्द्र का मिलन स्थल है, ये पारा के बिना उड़ीसा का लास्ट एंड है। भाई आप लोग से मिलकर बहुत खुशी हुई, वेरी गुड अच्छा लगा, हमको भी बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत मिलकर, आपका ग्रुप बहुत अच्छा है। तो भाई बोलो जुबा केसरी, अक्षय कुमार जी ने बोला था ना ये बोलो जुबा केसरी, ये लोग खा खा के शाहरुख खान जी बोले, पर उन लोग नहीं खाते हैं ये हमारे जैसे मवाली लोग। तो भाई वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा कमेंट पर जरूर बताना, और इसके साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना। तो भाई आज का वीडियो इतना है, अगले वीडियो में कुछ अलग और कुछ नया और कुछ इंटरेस्ट लेके आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक भाई।